हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना। किस चीज का वेट कर रहे हैं, वीडियो की तरफ चलते हैं। एपिसोड 8 की स्टार्ट होती है। माई और जय दोनों बैठे होते हैं, टीवी देख रहे होते हैं, जहाँ पे माई को जय टीज करने के लिए पॉपकॉर्न दिखाता तो है पर उसे नहीं खिलाता, जिसमें माई उसे किस कर लेता है। दोनों किस करके आगे कुछ कर पाते पर जय उसे मना कर देता है, जिसपे माई कहता है सुनो मैं तुम्हें हक तो कर सकता हूँ ना आज रात, जिसपे वो हाँ बोल देता है और उसे हक कर देता है। वो दोनों माई के रूम में जाते हैं। जय कैनॉन की गेम खेल होता है जिसमें कल्प्रिट होना होता है पर उसे मिल नहीं रहा होता और माई उसकी हेल्प करता है, जिसपे वो उसे काफी इंटेलिजेंट कहता है। माई पूछता है कि तुम्हें डिटेक्टिव कॉनन क्यों पसंद है, जिसपे जेद बताता है कि वो बचपन से इसे देखता आ रहा है, ये काफी स्मार्ट है तो वो उसकी तरह बनना चाहता था लेकिन ऐसा बन नहीं पाया। माई कहता है तुम ऑर्डिनरी नहीं हो, तुम बहुत स्पेशल हो मेरे लिए। जेद कहता है कि मैं ख्वाब तो नहीं देख रहा। माई उसकी गाल पे किस करता है और कहता है मैं तुम्हें तब तक किस करता रहूंगा जब तक तुम ये नहीं मानोगे कि ये तुम्हारा ख्वाब नहीं है, जिसपे वो ओके बोल देता है। जेद कहता है मुझे यकीन नहीं आ रहा कि तुम जैसा परफेक्ट बॉय मेरा बॉयफ्रेंड है। माई उसे लव यू कहता है और कहता है तुम्हें अपने ऊपर भरोसा करना चाहिए, तुम बहुत ही क्यूट हो। तभी जेद की हार्ट भी तेज हो जाती है और उसकी वॉच आवाज करने लग जाती है, तो माई कहता है कि मेरा दिल तुम्हारे पास है ऐसा लगता है, लेकिन जेद कहता है नहीं मेरा दिल तुम्हारे पास है, जिसपे माई से किस कर लेता है। माई कहता है कि तुम्हें कोई हक नहीं बनता कि तुम किसी और को दो मेरे अलावा। जेद कहता है कि ये सिर्फ तुम्हारा है, समझ रहे हो तुम, जिसपे वो दोनों काफी स्माइल करते हैं। नेक्स्ट मॉर्निंग वो सोए पड़े होते हैं, जहाँ पे माई उठता है और उसे क्यूट बोलता है, फिर से सो जाता है। दोनों ऑफिस से आते हैं, क्यूट लवी डवी कपल की तरह हाथ पकड़ के जाते हैं। माई का हाथ वो छोड़ने का नाम ही नहीं ले रहा होता और कोई भी बहाना नहीं छोड़ रहा था उसके करीब आने का। मैं गिर जाता है, जिसपे माई उसके उठने में हेल्प करता है। दोनों अंदर जाते हैं हाथ पकड़ के। जेद कहता है कि तुम मेरा हाथ छोड़ सकते हो, लेकिन माई कहता है मैं तुम्हारा हाथ हमेशा के लिए पकड़ना चाहता हूँ। तभी ऊपर से किंग आ जाता है उन्हें डिस्टर्ब करने के लिए और कहता है तुम दोनों लवी डवी क्यों बन रहे हो इतना। तभी किंग कहता है मुझे माई से बात करनी किसी चीज को लेकर। जेद मना कर देता है लेकिन माई कहता है अगर ये दोनों ना होते तो आज हम दोनों डेट ही ना कर पा रहे होते, मुझे इनसे बात करने दो। जेद मान जाता है और वो माई का बैग लेके जा रहा होता है, लेकिन किंग उसे अपना और वहाँ का भी बैग पकड़ा देता है कि ये भी लेते जाना। मजबूरन उनका बैग उसे लेना पड़ता है और वहाँ से चला जाता है। वो तीनों कैफेटेरिया वाली साइड पे खड़े होते हैं, जहाँ पे किंग कहता है मुझे यकीन नहीं आ रहा हुआ, हम दोनों की एडवाइस सेम थी और इसी वजह से आज दोनों डेट कर पा रहे हैं। माई उन दोनों को थैंक यू बोलता है। किंग कहता है कि तुम उसकी मासूमियत का फायदा मत उठाना, समझ रहे हो तुम। वो भी कहता है वो मेरा फ्रेंड है, अगर तुमने उसे हर्ट किया ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, जिसपे किंग भी एग्री होता है। माई कहता है मैं ऐसा कभी कुछ नहीं करूंगा। तभी वह कहता है तुम्हें भी जाना चाहिए, जो तुम्हारा वेट कर रहा होगा। तो वहां से चला जाता है। किंग और वह दोनों लवी डवी हो रहे होते हैं और किंग उससे माफी मांगता है कि वो उससे जेलस हुआ था उस बात पे और सॉरी बोलता है, जिसपे वह उसे माफ कर देता है। तभी वो दोनों किस करने वाले होते हैं, जिसपे माई आ जाता है ऊपर से उन दोनों को डिस्टर्ब करने के लिए और फिर सॉरी बोल के वहां से चला जाता है। जेद और माई जाते हैं साको को मिलने के लिए, जहाँ पे जेद चोरी चोरी माई की पिक्स लेता है वॉलपेपर पे लगाने के लिए और फिर माई देख लेता है तो वो कहता है चलो हम सेल्फी लेते हैं, जिसपे दोनों सेल्फी ले रहे होते हैं और माई इसके गाल पे किस कर लेता है। जेद काफी सैड हुआ बैठा होता है तो माई वजह पूछता है, तो जेद कहता है कुछ ही दिनों में तुम्हारी इंटर्नशिप खत्म हो जाएगी, हम दोनों एक दूसरे को मिल ही नहीं पाएंगे। माई इसके कंधे पे सर रखता है और कहता है तुम बहुत लवली हो, तुम टेंशन मत लो। उसके बाद वो साइको के साथ खेल रहा होता है और कहता है कि मैं कितना लकी हूँ ना, ये मेरा बॉयफ्रेंड है। जेद उसकी तरफ देख रहा होता है, कहता है कि तुमने अभी तक सिर्फ मेरी एक साइड देखी है, बाकी की साइड नहीं देखी, इस वजह से तुम ऐसा कह रहे हो। माई कहता है तुम्हारी कोई भी साइड होगी ना मुझे वो बुरी ही नहीं लगेगी, जिसपे जेद अपनी बुराई करने लग जाता है, कहता है मैं बहुत लेजी हूँ और मैं बहुत जल्दी जेलस फील करने लग जाता हूँ, तुम इस तरह के शख्स को कैसे लाइक कर सकते हो। माई कहता है अगर मैं कहूँ मैं स्टार्ट में ऐसा ही था तो मैं एक बुरा पर्सन बन जाऊंगा क्या, लेकिन जेद कहता है नहीं तुम बहुत परफेक्ट हो, तुम ऐसे हो ही नहीं। माई कहता है जब लोग मुझे कहते थे ना कि तुम परफेक्ट हो मुझे अच्छा नहीं लगता था, लेकिन जब तुम कहते हो मुझे बहुत अच्छा लगता है। जेद कहता है तुम इतने प्यार में पागल हो रहे हो, चलो घर चलते हैं। माई कहता है क्या तुम मेरे घर पे आज रुक सकते हो, मेरे पास कैनॉन की नई एपिसोड भी है। उसपे उसकी गाल पे किस करता है और ओके बोल के वहां से चला जाता है। माई साको के साथ खेलने लग जाता है। जेद बैठा होता है कैनॉन की नेक्स्ट एपिसोड पर होता है। माई ऊपर से आता है शर्ट लेस होता है, इसे देख कर जेद अपना चेहरा छुपाने लग जाता है और माई कहता है तुम ऐसा क्यों कर रहे हो, उसके काफी करीब आया खड़ा होता है। जेद उससे दूर होने की कोशिश कर रहा होता है, जिसपे वो उसे पकड़ रहा होता है। दोनों गिरते हैं और दोनों की किस हो जाती है। जेद और माई माई के रूम में लेटे पड़े होते हैं। यहाँ पे जेद कहता है कल तुम्हारा आखिरी दिन है इंटर्नशिप का, उसके बाद हम एक दूसरे को रोज नहीं देख पाएंगे, लेकिन माई कहता है मैं ऐसा होने ही नहीं दूंगा, मैं तुम्हें रोज काम पे छोड़ा करूंगा और भी पिक भी क्या करूंगा। जेद मना करता है,
कहता है मैं तुम्हें परेशान नहीं करना चाहता। तभी जेद को आइडिया आता है, वह कहता है कि मैं तुम्हारे साथ रहने के लिए आ जाऊं, इस तरह से हम दोनों एक दूसरे को रोज देखा करेंगे। जिसमें माई एग्री हो जाता है और कहता है कल ही तुम्हारी पैकिंग करके यहाँ पे लेके आऊंगा मैं तुम्हें, और वो ओके बोल देता है। वो दोनों ऑफिस में बैठे होते हैं, मीटिंग होती है उनकी। यहाँ पे जेद उसे माई की फाइल दे रहा होता है, बताता है कि सारे पॉइंट्स जो भी तुमने कलेक्ट किए हैं वो तुमने अपनी मेहनत से किए हैं। बैस ऊपर से आता है और बताता है कि आज रात पार्टी होगी इंटर्न्स के लिए। तभी जेद माई को कहता है मुझे तो याद ही नहीं था कि आज रात पार्टी होगी, तो हम दोनों पैकिंग कैसे करेंगे। माई कहता है हम कल करेंगे तो तुम टेंशन मत लो। सन पूछ रहा होता है जेद से कि हम कौन सा रेस्टोरेंट चूज करें, लेकिन वो माई से बातें कर रहा होता है। जिसपे गन काफी जोर से बोलता है कि तुम मेरी बात सुन भी रहे हो कि नहीं, तुम तो माई से बातें ही किए जा रहे हो, कुछ सस्पिशियस लग रहा है तुम दोनों के दरमियान। जेद साफ साफ मना कर देता है कि तुम हमें ओवर थिंक कर रहे हो। माई उठता है उसका हाथ पकड़ के उसे भी उठाता है, सबको बता देता है कि वो दोनों डेट कर रहे हैं। जिसपे सब शॉक हो जाते हैं, सब उन्हें कॉन्ग्रेचुलेट करते हैं। माई कहता है कि मैंने तुम्हें एम्बेरस फील कराया। जेद कहता है नहीं तो क्या, सबके सामने बोल दिया। गस और टोंग एक दूसरे की तरफ देख रहे होते हैं और टोंग कहता है क्या मैं भी सबको बता दूं कि हम दोनों डेट कर रहे हैं, लेकिन गस उसे मना करता है। बैस कहता है मैं बहुत खुश हूँ तुम लोगों के लिए, यहाँ पे दो कपल है और शायद फ्यूचर में एक और भी कपल हो जाए। गस और टोंग की तरफ देखता है लेकिन बाकियों को समझ नहीं आती। बैस कहता है कि शुक्र मनाओ हमारा बॉस ओपन माइंडेड है, उन सबको कंग्रेचुलेट करता है। जिसपे वो अपने अपने कपल्स के साथ फ्लर्ट कर रहे होते हैं। सब खड़े होते हैं जहाँ पे जेद को तंग कर रहे होते हैं और जेद उन्हें कहता है ऐसा मत करो नहीं तो मैं माई को बता दूंगा। तभी बेल बजती है, उनके ऑफिस का टाइम खत्म हो चुका होता है। किंग अभी भी उसे टीज कर रहा होता है, जिसपे जेद और दोनों के दरमियान फाइट स्टार्ट हो जाती है। माई आता है तो वो उसे शिकायत लगाता है, जिसके बाद वहां से वो सब चले जाते हैं पार्टी के लिए। गस टोंग को कहता है चलो हम भी चलते हैं, वैसे आज हमारा लास्ट दिन है, मैं तुम्हें बहुत मिस करूंगा। टोंग कहता है हम दोनों लवर्स हैं तो हम जब चाहे मिल सकते हैं ना। गस कहता है तुम कितने स्ट्रेट फॉरवर्ड हो, रोमांटिक बनना तो तुम्हें आता ही नहीं है। टोंग कहता है तुम शाय फील कर रहे हो क्या, लेकिन गस कहता है नहीं मैं तो शाय फील नहीं कर रहा। गस कहता है क्यों ना हम कल हॉटपॉट खाएं मेरे बॉयफ्रेंड के घर पे। जिसपे टोंग ओके बोल देता है और वो वहां से जाते हैं पार्टी के लिए। जेद माई को अपने घर पे लेके जाता है अपने पेरेंट्स मिलवाने के लिए, लेकिन जेद ज्यादा नर्वस लग रहा होता है तो माई से कहता है तुम टेंशन मत लो सब ठीक होगा, तुम इतने लवली हो, तुम्हारी फैमिली उससे भी ज्यादा लवली होगी। जेद कहता है भाई बहुत धूप है तो हम अंदर जल्दी चलते हैं। जिसपे माई से किस करता है, सिर्फ कहता है कोई देख लेगा, लेकिन माई कहता है कोई भी नहीं देखेगा। वो अंदर जाते हैं जहाँ पे जेद की फैमिली उसे घूर घूर के देख रही होती है, तो जेद उन्हें मना करता है इस तरह से हरकतें करने पे। जेद का फादर कहता है कोई प्रॉब्लम होना रिलेशनशिप में तुम मुझसे एडवाइस ले लेना। जेद कहता है मैंने तुम्हें उस दिन पहली बार देखा था ना तो मुझे शक हो गया था कि तुम उसे लाइक करते हो। जेद कहता है तुम्हारे कहने का मतलब है ये मुझे तब से लाइक करता है क्या। जेद कहता है हाँ ये सब कुछ ऑब्वियस था पर तुम ही नहीं देख पा रहे थे। जेन पूछती है कि माई तुम जेद को लेके जाओगी अपने पेरेंट्स मिलवाने के लिए, जिसपे वो हाँ कहता है। तो जेद को अमेलियट देखती है ताकि अच्छे से उसकी मीटिंग उनके पेरेंट्स के साथ हो जाए, जिसके बाद वो खाना खाते हैं। खाना खाने के बाद माई हेल्प कर रहा होता है जेद की बर्तन धोने में। जेद बताता है कि जेद को घर के काम करना बिल्कुल भी पसंद नहीं है, तो माई कहता है सारे घर के काम मैं खुद ही कर लिया करूंगा। जेद कहता है मैं उसके मामले में इंटरफेयर तो नहीं करना चाहता था लेकिन मैं उसके लिए काफी वरीड हूँ, दूसरे के बारे में ज्यादा सोचता है वो। माई कहता है आपने सही कहा, वो हमेशा दूसरे के बारे में सोचता है, अपने बारे में कभी नहीं सोचता, लेकिन मैं उसकी फीलिंग का हमेशा ख्याल रखूंगा। तभी ऊपर से जेद आ जाता है जो कि माई के साथ फ्लर्ट करने लग जाता है। जेद उन दोनों को वहां से जाने को कहता है, जेन को कहता है बर्तन धोने के लिए और खुद वहां से चला जाता है। जेद और माई दोनों बैठे होते हैं घर पे। जेद पूछता है कि तुम्हें मेरी फैमिली कैसे लगी, तो कहता है जैसे तुम हो वैसे ही वो बहुत प्यारे थे। फिर उनको कहता है क्या तुम मेरी फैमिली से मिलने के लिए नेक्स्ट वीक आ रहे हो ना मेरे साथ, तो हाँ बोलता है। जेद कहता है क्या तुम्हारी फैमिली मुझे लाइक करेगी। माई कहता है जिस तरह से मैं लाइक करता हूँ तुम्हें वो भी तुम्हें लाइक करेंगे, तुम टेंशन मत लो। तभी जेद उससे पूछता है कि तुम्हारे बॉयफ्रेंड कितने थे और तुम्हारा उनके साथ ब्रेकअप क्यों हुआ था। माई बताता है कि उसके दो बॉयफ्रेंड रह चुके हैं इससे पहले, एक के साथ तो ब्रेकअप इसलिए हुआ था क्योंकि वो अब्रॉड चला गया था स्टडी करने के लिए, और दूसरे के साथ इसलिए ब्रेकअप हुआ क्योंकि वो और मैं आपस में बहुत लड़ते रहते थे छोटी छोटी बातों पे। उससे पूछते हैं कि तुम्हारे कितने बॉयफ्रेंड रह चुके हैं। जिसपे जेद बताता है कि उसका एक ही था लेकिन उस बारे में वो बात नहीं करना चाहता। जेद कहता है तुम्हारे एक्स के साथ तुम्हारा झगड़ा क्यों होता था। ये कहता है मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ अपने बारे में, मैं बहुत ही ओवर थिंक करूँ और जल्दी जेलस हो जाता हूँ। माई कहता है ये तो फिर अच्छी बात है, तुम मुझे देखकर जेलस होगी और मुझे ये अच्छा लगेगा। ये कहते हैं हम एक एग्रीमेंट कर लेते हैं, अगर हम दोनों में से किसी को भी अनकंफर्टेबल फील होगा रिलेशनशिप में तो हम एक दूसरे को लास्ट में बताएंगे, छुपाएंगे नहीं। जिसपे वो ओके बोल देता है। जेन माई को कहता है मुझे तुम्हें कुछ दिखाना है, मेरे साथ आओ। उसे रूम में लेके जाता है, अपनी वही डायरी दिखाता है जिसमें वो स्केच किया करता होता है। जेन कहता है ये तो मैंने पहले बनाई थी चेकलिस्ट को लेकर, लेकिन फिर मैंने इसके ऊपर पिक्चर्स बनाना भी स्टार्ट कर दिया, मैं तुम्हें ये दिखाना चाहता था। जिसपे उसकी गाल पे किस करता है और कहता है तुम बहुत ही क्यूट हो।
कहता है कि मुझे काफी गर्मी लग रही है, मैं नहाने जा रहा हूँ। वहां से चला जाता है। माई उन पिक्चर्स को देख रहा होता है। माई वेट कर रहा होता है जेद के आने का और काफी हॉट लग रहा होता है। जेद जब वापस आता है तो उसके साथ फ्लर्ट करने लगता है, लेकिन जेद उसे रोक देता है। वो लेटा पड़ा होता है, लेकिन माई कहाँ रुकने वाला होता है, वो उसे टीज करने के लिए और उसे किस करने लग जाता है। लेकिन इन दोनों के दरमियान कुछ होता नहीं। जेद कहता है तुम चाहो तो कंटिन्यू कर सकते हो, लेकिन माई कहता है तुम इसके साथ ओके नहीं हो तो हम नहीं करेंगे। लेकिन जेद कहता है मैं ट्राई करना चाहता हूँ। जिसके बाद दोनों किस करते हैं और इंटीमेट होते हैं। जेद माई को लेके जाता है अपने घर, उसे कहता है तुम टेंशन मत लो, सब कुछ सही होगा, मेरे पेरेंट्स तुम्हें बहुत ही लाइक करेंगे, बस कॉन्फिडेंट रहना। वो अपने पेरेंट्स से मिलवाने के लिए अंदर ले जाता है, जिसपे वो उसे वेलकम करते हैं। मैन कहता है माई तुम्हारे में बहुत बातें करता था, आज तुम्हें देख भी लिया। तभी वो लंच करने के लिए जाने लगते हैं। माई की मॉम कहती है मुझे बात करनी है जैसे, तो तुम लोग जाओ। जिसपे वो वहां से चले जाते हैं। वो तीनों बैठे होते हैं जब मैन कहता है कि ये पहली बार है तुम किसी को घर लेके आए हो। माई कहता है हाँ, क्योंकि मैं जेद को लेकर सीरियस हूँ इसलिए। मैन कहता है तुम बहुत ही परफेक्ट हो। माई का फादर भी उसकी काफी तारीफ करता है और कहता है कि तुम्हें हर बार परफेक्ट होने की जरूरत नहीं है, तुम जिसमें खुश रहोगे हम भी उसी में खुश रहेंगे, और तुम्हारी मॉम सिर्फ तुम्हारे लिए वरीड है, इस वजह से वो जेद से बात करने के लिए गई है, और तुम टेंशन मत लो वो हमेशा से ऐसी है। माई ओके बोलता है। माई की मॉम जेद से बात कर रही होती है और उससे पूछती है कि तुम्हारी एज क्या है और तुम्हारे सिबलिंग्स कितने हैं। तो आगे से जवाब देता है। माई की मॉम कहती है कि तुम उससे बड़े हो, इसका मतलब तुम उसका सही से ख्याल रख पाओगे। लेकिन वो कहता है चाहे मैं बड़ा हूँ लेकिन माई मेरा ख्याल रखता है। उसे मॉम बुलाता है, फिर पूछता है कि मैं आपको मॉम बुला सकता हूँ, जिसपे वो उसे इजाजत दे देती है। जेद माई की तारीफ करते हुए कहता है वो बहुत ही रिस्पॉन्सिबल है और हर चीज को अच्छे से हैंडल कर लेता है, वो बहुत ही मेच्योर है। माई की मॉम कहती है तुमने सही कहा, जब से वो तुम्हें मिला है उसके बाद से वो काफी ज्यादा मेच्योर हो गया है। उसे थैंक यू बोलती है माई की लाइफ में आने के लिए और कहती है क्या तुम माई का ख्याल रखोगे मेरे लिए। जिसपे जेद कहता है हाँ, मैं अपना पूरा बेस्ट दूंगा। वो दोनों वहाँ पे आ जाते हैं डाइनिंग टेबल पे। मैन सर्व कर रहा होता है, लेकिन माई उसे ले लेता है कि मैं खुद ही जेद को सर्व करूंगा, उसे वो राइस देता है। उसके बाद माई की मॉम डैड वेलकम करते हैं जेद को उसकी फैमिली में। माई की मॉम कहती है ये तुम अपने दूसरे घर की तरह समझना। मैन कहता है किसी भी चीज को लेकर एडवाइस की जरूरत हो ना तो तुम मुझे जरूर बताना। वो उन सबको थैंक यू बोलता है। जेद और माई दोनों जाते हैं आउटिंग के लिए। जेद कहता है माई को कि तुम अपने पेरेंट्स के साथ रहना चाहते थे तो रह लेते थोड़ी देर के लिए, लेकिन माई बताता है मेरी मॉम ने कहा कि मैं तुम्हें बाहर लेके जाऊं, तुम अकेला फील कर रहे थे ना इस वजह से, मुझे लगता है मेरी मॉम तुमसे ज्यादा प्यार करने लगी है। जेद कहता है फिर तो ये अच्छी बात है क्योंकि मेरी मॉम भी तुमसे बहुत ज्यादा प्यार करती है। कहती है कि तुम बहुत हैंडसम हो, मेरे जैसे लड़के को क्यों पसंद करने लग गए, वैसे तुम्हें मेरे ऊपर क्रश कैसे आया। माई कहता है मैंने तुम्हें बताया था ना साको की वजह से तुम्हारा फर्स्ट इंप्रेशन बहुत अच्छा पड़ा, लेकिन उसके बाद मेरी फीलिंग्स डिवेल्प होती रही तुम्हें लेकर। जिसपे जेद उसे किस करता है और दोनों एक दूसरे को किस करते हैं। उसके बाद दोनों इंटीमेट होते हैं घर जाके। वो दोनों ब्रिज पे बैठे होते हैं और जेद उस जगह की काफी तारीफ करता है। तभी वो स्केच बनाने लग जाता है। माई कहता है तुम क्या कर रहे हो। जेद कहता है तुमने मुझे नाम दिया था ना जेद द मिडल मैन का, ये इसी को लेकर मैंने कुछ ड्रॉइंग की है। उसे देता है। जेद ने जो सब कुछ लिखा होता है वो हमें नरेशन करके भी बता रहा होता है। कहता है मैंने नहीं सोचा था कि मेरे जैसा ऑर्डिनरी पर्सन माई के साथ भी डेट करेगा, इसने मुझे नाम दिया जेद द मिडल मैन का। अब हम दोनों इकट्ठे हैं और उसकी वजह से मैं ज्यादा ब्रेव बन पाया, मुझे नहीं पता था ऐसा फील होता है जब आप किसी की आंखों में परफेक्ट होते हैं। और हमें दिखाते हैं लास्ट पे उसने जेद द मिडल मैन लिखा होता है और एपिसोड के साथ साथ सीरीज भी यहीं पे खत्म हो जाती है। वैसे काफी अच्छी स्टोरी थी ये कि एक डम्ब लड़का जो चीजें ऑब्वियस होती हैं उसे पिक नहीं कर पाता, कैसे उसके साथ प्यार हुआ। लेकिन मैं चाहती थी गस और टॉम का और भी कोई सीन आते, लेकिन खैर है इतने भी काफी हैं। मैं तो चाहती हूँ उनकी सीरीज भी आए आगे। आप लोग क्या चाहते हैं कमेंट में जरूर बताना। अगर यहाँ तक वीडियो देखी है तो वीडियो को लाइक जरूर कर दियोगा आप लोगों ने, अगर नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दें, और अगर आप लोग मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा ताकि मेरी नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग।